मैं सरार अहमद सर को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ सर, प्लीज आइए। सरार अहमद साहब के लिए क्या कहूँ, नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर वन इशार सर स्क्रीन शॉट कंपनी के मालिक हैं, जो डायरेक्ट कर्मचारियों से स्वागत कीजिए। नंबर वन प्रोड्यूसर, नंबर वन डायरेक्टर, नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब नंबर वन ही है, हर चीज में नंबर वन है। और हमारी फिल्म बिग बॉस इन्होंने ही रिलीज की थी और कर ही रहे हैं और इतनी जबरदस्त फिल्म हमारी बॉलीवुड को पसंद आई, उस तर्ज पे ऑलरेडी दो फिल्में बन गई और रिलीज भी हो रही है, एक आई उजरा चमन और बाला। तो ये इंडस्ट्री की शुरुआत जो है इस चीज की हमने की। तो आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, हमारे रमेश गोयल जी आइए, चंद्र जी आइए, चंद्र जी आप जाइए ऊपर। हमारे एक फिल्म आ रही है इंग्लिश में, टाइटल है फिश, उसमें वो बड़ी जबरदस्त फिल्म है, गांव के बैकग्राउंड पर बनी है और उसमें उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। चंद्र जी भगवान करे आप बहुत सारी फिल्में बनाए और सब में आप मुझे काम करने का मौका दें और अगले फिल्म में पेमेंट दीजिए। और रमेश गोयल साहब के बारे में क्या कहूँ, इनके मैं सदा बाहर रहूंगा कि घर पे कोई एंट्री इनकी होती नहीं है, सदा बाहर ही रहते हैं, एवरग्रीन है ये इनकी खूबसूरती का और जवानी का राज। आज मैं बता दूँ और जो साहब ये सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, हाँ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, लड़कियों के साथ टिकटॉक करते हैं, लड़कों को टिकटॉक करते हैं। और बीरबल जी यहाँ पर बैठे हैं, मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरा बच्चा ऊपर आ जा, नहीं आ जाओ ऊपर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बीरबल जी अगर आप नहीं आए तो आप पर बुरा मान जाएंगे, हमारे बादशाह आप पर बुरा मान जाएंगे। हमारे सीनियर कलाकार यंग बॉय, हमें कहते हैं सबसे यंग सीनियर, और सुन कर अब हर दायरा टूटेगा। इंतजार की वक्तियां खत्म हुई जिसकी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो डांसिंग का टाइम आ गया है। निशा प्लीज मंच पे आ जाओ।